तेज रफ्तार की कहर फिर हुआ एक मासूम की मौत। नहीं थम रही तेज रफ्तार की कहर फिर हुआ एक मासूम बच्चे की मौत। हफ्ते में यह दूसरी बड़ी घटना है। गुस्साए ग्रामीणों ने किया मेन रोड पर चक्का जाम। पूरा मामला आज सुबह 11 बजे जूनापाड़ा चौकी के ग्राम भौरा कछार का है, जहां एक 8 वर्षीय मासूम स्कूल बस पकड़ने के लिए घर से निकला था, जिससे लोरमी की ओर से तेज रफ्तार आ रही हाइबा चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए मासूम को कुचलते हुए सैकड़ों मीटर तक बेरहमी से घसीटते ले गया, जिससे मासूम की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गया और चालक गाड़ी छोड़ फरार हो गया। जहां गुस्साए ग्रामीणों ने चक्का जाम किया, जिससे मेन रोड पर गाड़ी की लंबी कतारें लग गई। वहीं पुलिस विभाग के आला अफसर सहित पुलिस के जवान मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों को चक्का जाम समाप्त करने की समझाइश दे रहे हैं। भौरा कछार में आज करीब 11 बजे की घटना है। एक नाबालिग बच्चा जो स्कूल जा रहा था और बस में बैठने के लिए रोड क्रॉस कर रहा था, उसी दौरान एक हाईवा चालक जो तेज गति एवं लापरवाही पूर्वक चलाकर एक्सीडेंट किया है, जिसमें हाईवा मौके पर ही रोका गया है और उसमें अभी पंचनामा का कार्रवाई कर अपराध दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। लोग चक्का जाम किए, सर इसकी मुख्य मांग क्या है ग्रामीणों का? मांग के बारे में लोग बोल रहे हैं कि इधर से भारी वाहन अभी नहीं चलना चाहिए और दूसरा रोड उसके लिए दिया जाए। मुंगेली से प्रीतम दिवाकर की रिपोर्ट। बस देखते रहिए सीजी विजन टीवी।